Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fantastic. In our previous class, we have discussed about the textiles and pottery. Textiles में हमने क्या पढ़ा था कि जो early man है वो अपनी body को cover करने के लिए animal skin का और tree leaves का use करते हैं और धीरे धीरे फिर उन्होंने cotton grow करना शुरू किया और उसके बाद silk, वूल और जूट से बने कपड़े वो पहनने लगे. ओके, पहले वो अनस्टिच्ड कपड़े पहनते थे यानी कि बगैर सिले हुए, जैसे कि धोती और लुंगी. ये अनस्टिच्ड क्लोथ होते हैं जो मैन वियर करते हैं. ओके, एंड देन पोटरी. पोटरी में क्या था कि जो हमारे डिशेस या फिर पोट्स हैं जो किससे बनते हैं, क्ले से बनते हैं, मिट्टी से बनते हैं, मिट्टी के बने बर्तन. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट टेक्सटाइल्स एंड पोटरी. आज आगे करेंगे. नाउ यू विल ओपन योर बुक पेज नंबर 112. आई होप यू हैव ओपन्ड. लेट्स स्टार्ट. स्टिच्ड क्लोथ फॉर वुमेन. The next group of clay figures are wearing beautiful sarees from different parts of India. अगले जो group of जो clay figures था यानी कि जो मिट्टी का जो statue था, तो उसमें जो woman थी वो क्या पहने हुए हैं? Beautiful saree पहने हुए हैं. Okay, you can see in the picture. यहाँ पर इन सब ने saree पहन रखी है. Okay, और ये अलग अलग parts of India में पहनी जाती हैं अलग अलग तरीके से साड़ी. ओके, दिस अनस्टिच्ड एंकल लेंथ क्लोथ इज़ वोर्न बाय इंडियन वूमेन इन डिफरेंट स्टाइल्स. यानी कि जो इंडियन वूमेन है इस कपड़े को, यानी कि ये जो अनस्टिच्ड जो कपड़ा होता है, तो इसको वो अपनी एंकल तक रखती हैं. यू कैन सी हियर. ओके, तो एंकल तक उसको रखती हैं और फिर वो उसको पहनती हैं अलग अलग स्टाइल्स में. द मोस्ट पॉपुलर स्टाइल इज विद द प्लीट्स फैनिंग आउट इन द फ्रंट एंड द अदर एंड द पल्लू टेकन ओवर द लेफ्ट शोल्डर टू फॉल बिहाइंड. यानी कि ज़्यादातर जो प्लीट्स डाल के तब पहनी जाती हैं साड़ी. ओके, और इसमें जो एक पल्लू होता है उसको हम शोल्डर पर रखते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, इसमें जो प्लीट्स और जो पल्लू है वो अच्छे से सेट करके दिखाया गया है. यू कैन सी इन द पिक्चर. डिड यू नो द लेंथ ऑफ नॉर्मल साड़ी इज 5.5 meters, बट द महाराष्ट्रियन नावरी साड़ी इज 8 meters लॉन्ग. यानी कि जो नॉर्मल साड़ी की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 5.5 meters. ओके, 5.5 meters होती है नॉर्मल साड़ी की लेंथ. लेकिन जो महाराष्ट्रियन जो नौरी साड़ी है उसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है? 8 meters. अंडरस्टैंड. अदर वेज ऑफ रैपिंग अ लॉन्ग अनस्टिच्ड क्लोथ बाय वुमेन इज वेन दे यूज एन ओढ़नी और दुपट्टा टू कवर दर हेड्स और अपर बॉडी. यानी कि जो दूसरा तरीका होता है उस लॉन्ग अनस्टिच्ड क्लोथ को पहनने का वुमेन के द्वारा, तो वो क्या होता है? ओढ़नी या दुपट्टा, जैसे वो सूट के ऊपर कैरी करती हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, जिससे वो अपने सिर को ढकती हैं दुपट्टे से या ओढ़नी से. इट इज़ वोर्न विद अ सलवार कमीज इन पंजाब. और जो ओढ़नी या दुपट्टा होता है वो सलवार कमीज के साथ कैरी किया जाता है. एंड हरियाणा विद चूड़ीदार कुर्ता इन उत्तर प्रदेश, विद अ घाघरा चोली इन राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश, विद अ फेरन इन जम्मू कश्मीर. यानी कि हर एक स्टेट में जो ओढ़नी और जो दुपट्टा है वो अलग अलग आइटम्स के ऊपर कैरी किया जाता है. अब जैसे हरियाणा में, पंजाब में सलवार कमीज के ऊपर ओढ़नी दुपट्टा कैरी करते हैं, और उत्तर प्रदेश में जो चूड़ीदार कुर्ता होता है उसके ऊपर जो ओढ़नी है वो ओढ़ते हैं, और घाघरा चोली के ऊपर राजस्थान में कैरी की जाती है ओढ़नी या दुपट्टा. हिमाचल प्रदेश में जो फेरन
हिमाचल प्रदेश में भी हमारा जो घाघरा चोली है उसके साथ कैरी की जाती है, और जम्मू कश्मीर में जो फिरन होती है उसके साथ कैरी करा जाता है ओढ़नी या दुपट्टा. ओके, इन असम मणिपुर द मेघालय इट इज़ द चदर वर्न ओवर अ मेखला. इन केरला एंड आंध्र प्रदेश इट बिकम्स द हाफ सारी वर्न ओवर एन अंडरस्कर्ट. यानी कि जो असम है, मणिपुर है, मेघालय है, तो उन सब में ये मेखला वगैरह के ऊपर भी ओढ़ा जाता है, और जो केरला है, केरला में और आंध्र प्रदेश में ये आधी साड़ी की तरह होता है, जो अंडरस्कर्ट के नीचे भी हम कैरी कर लेते हैं. ओके, ड्यूरिंग विंटर्स अ लॉन्ग अनस्टिच्ड वूलन क्लोथ कॉल्ड अ शॉल इज रैप्ड बाय बोथ मैन एंड वुमेन. यानी कि जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो एक जो लॉन्ग अनस्टिच्ड जो वूलन क्लोथ होता है जिसको हम शॉल कहते हैं, वो आदमी और औरतें दोनों ही अपने चारों तरफ रैप करती हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, ये शॉल ओढ़े हुए हैं ना, तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे. शॉल की डेफिनेशन है अ लॉन्ग अनस्टिच्ड वूलन क्लोथ कॉल्ड अ शॉल. ओके, देर आर शॉल्स ऑफ मैनी कलर्स वूवन इन अ वेराइटी ऑफ डिज़ाइंस. और जो शॉल होते हैं वो अलग अलग कलर में मिलते हैं, और उनमें बहुत सारे जो डिज़ाइंस हैं वो अवेलेबल रहते हैं. एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स फ्रॉम कश्मीर एंड कुल्लू शॉल्स विद कलरफुल स्ट्रिप्स वूवन ओवर इन टू दैम आर डिस्प्लेड. यू कैन सी इन द पिक्चर. यहाँ पर पश्मीना शॉल दिखाया गया है, यहाँ पर बॉर्डर शॉल भी दिखाए गए हैं. ओके, तो एम्ब्रॉयडर्ड मतलब जिसके ऊपर कढ़ाई करी जाती है. ओके, कढ़ाई वाले जो शॉल होते हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर में काफ़ी फेमस हैं, तो वो उनके ऊपर जो कलरफुल स्ट्रिप्स हैं वो रहती हैं, उनसे वो तैयार करे जाते हैं. शॉल्स फ्रॉम मिजोरम एंड मेघालय अलोंग साइड नागा शॉल्स वूवन विद कलर्स ऑफ नियरली 29 नागा ट्राइब्स आर अ ब्यूटिफुल साइट. यानी कि जो शॉल होते हैं जो मिज़ोरम और मेघालय में जो नागा शॉल्स ओढ़े जाते हैं, तो उसमें हमारे अलग अलग वैरायटी आती हैं इसमें, और जो जो नागा ट्राइब्स के जो लोग हैं वो इसको नागा शॉल को ओढ़ते हैं. ओके, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं. इन इंडिया हैंडलूम्स और मशीन लूम्स वीव दीज सारीज शॉल्स एंड टर्बन्स अलोंग विद बेल्स ऑफ क्लोथ फॉर स्टिच्ड क्लोथ्स. यानी कि इंडिया के अंदर जो हैंडलूम है, यानी कि हाथ से कढ़ाई करके या फिर मशीन का यूज़ करके ये जो साड़ी हैं, शॉल हैं, टर्बन होती हैं, तो उनके ऊपर स्टिचिंग करी जाती है, और उनके ऊपर अलग अलग डिज़ाइन निकाल के उनको ब्यूटिफुल बनाया जाता है ताकि वो सुंदर दिखें. ओके, नाउ द कलरिंग एंड प्रिंटिंग. The group moves on to the see clothes of many patterns. यानी कि जो clothes हैं उसमें भी हमारे अलग अलग pattern आते हैं. Cloth is colored using chemical or vegetable dyes. और जो clothes हैं उनको color किया जाता है किसका use करके, chemicals या vegetables dyes का use करके उनको अलग अलग beautiful colors में हम color कर लेते हैं. Different colors are taken from leaves, fruits and roots. और जो अलग अलग कलर्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमें, लीव से, फ्रूट से और जो रूट्स हैं उनसे. द थ्री बेसिक कलर्स आर रेड, येलो एंड ब्लू. और तीन बेसिक कलर होते हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं, रेड, येलो और ब्लू. आप इसको अंडरलाइन करेंगे. ओके, ऑल अदर कलर्स कम फ्रॉम मिक्सिंग दीज कलर्स. यानी कि ये तो तीन कलर बिल्कुल नेचुरल होते हैं, और बाकी के जो कलर्स हैं वो इन तीनों को मिक्स करके बनाए जाते हैं. ओके, पैटर्न्स ऑन क्लोथ्स आर मेड इन मैनी वेज. और जो क्लोथ हैं, जैसे आपने देखा होगा जो डाई करते हैं तो वो अलग अलग पैटर्न बना देते हैं, उनकी नोट वगैरह लगा के, जब गांठ लगा के वो डाई करते हैं, तो जो जिस हिस्से में गांठ लगी होती है तो उसमें वो कलर नहीं जाता है, और जिसकी वजह से वो अलग अलग अच्छे वाले जो डिज़ाइन है, पैटर्न है, वो बन जाते हैं, डबल शेडेड जिसको कहते हैं. ओके, क्लोथ कैन बी टाइड विद अ थ्रेड इन अ डिज़ाइन एंड देन डाइड इन मैनी कलर्स. यानी कि उसमें क्या करते हैं, हम कपड़े को पहले टाई कर देते हैं किसी थ्रेड से, और जिससे उसमें डिज़ाइन बन जाए. ओके, और अलग अलग कलर से हम उसको डाई कर लेते हैं. द टाइड पार्ट डज नॉट गेट डाइड एंड दैट मेक्स द पैटर्न. क्योंकि जो
जिस हिस्से को हमने टाई किया है, नोट लगाई है, गांठ बांधी है, तो वो वाला हिस्सा हमारा डाई नहीं होता है और जिसकी वजह से वहाँ पर ब्यूटीफुल पैटर्न बन जाते हैं। कलमकारी पैटर्न्स आर मेड विद अ पेन और कलम एंड वेजिटेबल डाइज। जो कलमकारी पैटर्न्स होते हैं वो हमारे पेन से बनाए जाते हैं, ओके, और फिर उसके ऊपर कढ़ाई वगैरह कर देते हैं, और जो वेजिटेबल डाइज का यूज़ करके भी इसका यूज़ किया जाता है। प्रिंटिंग इज़ डन बाय मेकिंग वुडन और मेटल ब्लॉक्स ऑफ डिज़ाइंस। और जो प्रिंटिंग है वो हमारी किसकी हेल्प से की जाती है, वुडन या मेटल ब्लॉक्स की हेल्प से करी जाती है, और जिससे अलग अलग ब्यूटीफुल जो डिज़ाइंस हैं वो हमारे बनके तैयार हो जाते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर, कलमकारी यहाँ पर दिखाई गई है और टाई एंड डाई यू कैन सी हेयर। दीज आर डिप्ड इन कलर डाइज एंड प्रेस्ड ऑन द क्लोथ टू गेट प्रिंटेड डिज़ाइंस। यानी कि इसमें क्या करते हैं, जो कलर डाई है उसके अंदर डुबो देते हैं और फिर उसको प्रेस कर देते हैं और फिर जो प्रिंटेड डिज़ाइंस हैं वो कपड़े के ऊपर आ जाती हैं, ओके। तो आज हमने क्या पढ़ा कि जो क्लोथ्स हैं, अनस्टिच्ड क्लोथ्स हैं, वो हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो औरतें पहनती हैं तो वो अनस्टिच क्लोथ में साड़ी पहनती हैं, ओके, और जो साड़ी है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से वो वियर करती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो प्लीट्स और पल्लू को सेट करके तब पहनती हैं, ओके। और जो ओढ़नी और दुपट्टा है दैट इज़ ऑल्सो अनस्टिच्ड क्लोथ, जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पहनावे के ऊपर वो उसको कैरी करती हैं। कोई सलवार कमीज़ के ऊपर ओढ़नी दुपट्टा ओढ़ता है, कोई घाघरा चोली के ऊपर ओढ़ता है, ओके, कोई फिरन के ऊपर ओढ़ता है। तो इस टाइप से जो ओढ़नी और दुपट्टा है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो शॉल है उसको मैन और वुमेन दोनों ही ओढ़ते हैं ड्यूरिंग विंटर्स, ओके। और जो शॉल हैं वो हमारे उसके ऊपर जैसे पश्मीना शॉल्स उनके ऊपर कढ़ाई करी जाती है, एम्ब्रॉयडर्ड शॉल होते हैं कुछ हमारे, कुछ के ऊपर स्ट्रिप्स होती है, कुछ के ऊपर सिंपल प्लेन बॉर्डर होता है, और कुछ नागा शॉल्स यू कैन सी इन द पिक्चर, ओके। तो इस टाइप के जो शॉल्स हैं वो हमारे ओढ़े जाते हैं, और इंडिया में जो हैंडलूम और जो पारलूम है उन दोनों का यूज़ करके ही जो साड़ी हैं, शॉल हैं, टर्बन हैं वो हमारे तैयार करे जाते हैं, और कलरिंग और प्रिंटिंग से भी हम उनको अट्रैक्टिव बना लेते हैं, ब्यूटीफुल बना लेते हैं, क्योंकि हमारे तीन ही बेसिक कलर होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू, लेकिन और बाकी के जो कलर्स हैं वो हम इनसे मिक्स करके बनाते हैं, और जब हमें अपना डिज़ायर का, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई कलर चाहिए तो हम उसको डाई करा लेते हैं, ओके। I hope you understand. Now let's discuss the homework. Today you will read page number 112 and 113 of chapter number 16 and you will do new words in fair notebook. Okay, bye. Happy learning.